गाइस मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं हैक्टिक चैनल। तो गाइस आपको तो मालूम ही होगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट 5G नेटवर्क आया था साउथ कोरिया में, वो भी लास्ट मंथ, और बाद में ही आने वाले वीक्स में आ गए थे 5G नेटवर्क के मोबाइल्स यूरोपियन मार्केट में, लेकिन वो थे बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन्स। तो गाइस क्वेश्चन होता है कि हमें अफोर्डेबल मिड रेंज डिवाइस वो भी 5G नेटवर्क के साथ कब तक देखने मिलेंगे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू हुआवे एग्जीक्यूटिव्स जिनका नाम है यांग चाउबिन, उन्होंने कह दिया है कि हमें अफोर्डेबल मिड रेंज डिवाइसेज वो भी सपोर्ट करने वाले 5G नेटवर्क के साथ हमें 2020 के एंड तक देखने मिल जाएंगे। तो गाइस ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें 5G नेटवर्क मिड रेंज डिवाइसेज में देखने मिल जाएंगे वो भी 2020 के एंड तक। तो गाइस आपको नहीं लगता कि बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट किया है इन लोगों ने, जैसे कि हम कंपेयर करें प्रीवियस जनरेशन मोबाइल इंटरनेट के साथ, जैसे कि 4G नेटवर्क ये कुछ ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट किया था 3G नेटवर्क के कंपेयर टू, और इस बार होने वाला है 5G डेवलपमेंट 4G से थोड़ा ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट किया हुआ है। तो गाइस इन ऑर्डर टू प्रूव दिस स्टेटमेंट हुआवे एग्जीक्यूटिव ने रिमाइंडेड किया है सबको कि 4G नेटवर्क को जैसे लगे 3 साल डेवलपमेंट के लिए, तो गाइस 5G नेटवर्क को सिर्फ लगेगा 1 ईयर डेवलपमेंट के लिए, मतलब हमें 2020 के एंड तक मिड रेंज डिवाइसेस हमें देखने मिल जाएंगे वो भी परफेक्ट 5G नेटवर्क के साथ। तो गाइस हुआवे ने ये प्रूव करके दिखाया कि 2020 के एंड तक हमें हर एक स्मार्टफोन के अंदर 5G नेटवर्क देखने मिल जाएगा। तो गाइस कब तक ये अभी फोन आएगा आपको तो मालूम पड़ गया, लेकिन कौन से फोन में 5G नेटवर्क सबसे पहले अवेलेबल होगा उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको आ जाएगी। लेकिन गाइस अभी तक तो मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन 5G नेटवर्क सपोर्टेड के साथ हमें देखने मिल जाता है MI Mix 3 5G वर्जन के साथ, जो गाइस लगभग 54,000 के आसपास है स्टार्टिंग प्राइस उसकी अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो। और हमें देखने मिल जाते हैं वन एंड ओनली वन Huawei की तरफ से Huawei का Mate 20X, जो पावर है Kirin का 980 चिपसेट पे, जो बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। और गाइस हमें देखने मिल जाते हैं कुछ 76,000 रुपीज एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और गाइस हमें देखने मिल जाते हैं इसके अंदर Belong 5000 5G नेटवर्क के मोडम, जो बहुत ही कमाल की बात है गाइस। ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड लेके जाएगा 5G नेटवर्क का, कुछ 6.5 GHz पर सेकेंड, तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन हमें अभी तक कोई भी मिड रेंज स्मार्टफोन्स करंटली किधर भी देखने नहीं मिला है, और आगे वाले फ्यूचर में हमें देखने मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया 2020 के एंड। तो गाइस अगर आप 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही हाई है और ये वाइजेस्ट चॉइस नहीं है बाय करने की, क्योंकि उनकी कुछ ज़्यादा ही प्राइसिंग है और ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में बने हुए हैं कुछ अलग अलग कंट्रीज के इसमें, और कुछ लिमिटेड कंट्रीज में ही ये अवेलेबल है। तो गाइज फिलहाल तो आप 5G स्मार्टफोन बाय नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कुछ ज़्यादा ही प्राइसिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को